तो यहाँ पे हमें दिया गया है द टेबल बिलो शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग फोर डिफरेंट गेम्स तो एक टेबल दी गई है जिसमें चार डिफरेंट गेम्स दिए गए हैं और उनको खेलने वाले स्टूडेंट्स का नंबर दिया गया है यहाँ पे तो हमें क्या करना है जो ये इन्फॉर्मेशन दी गई है इसको पिक्टोग्राफ की फॉर्म में शो कराना है अब क्या करेंगे यहाँ पे एक टेबल बना लेंगे इसके लिए तो मैंने जो टेबल है वो पहले ही बना लिया यहाँ पे इसमें राइट किया है गेम्स और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो गेम्स मैंने यही राइट किए हैं फुटबॉल हॉकी क्रिकेट एंड बैडमिंटन और यहाँ पे जो मैंने पिक्चर लिया है तो ये लिया है मैंने सिंबल यहां पे कितने के लिए टेन स्टूडेंट्स के लिए ठीक है और फुटबॉल में कितने है ये तो 20 बनाएंगे देखो इसको ना आप कुछ और ले सकते हो सर्कल ले सकते हो रेक्टेंगल ले सकते हो स्क्वायर ले सकते हो कुछ भी ले सकते हो और यहाँ स्टूडेंट्स आप अपनी मर्जी से घटा या बढ़ा सकते हो तो मैं क्या करता हूं यहां की जगह ट्वेंटी ले लेता हूं ठीक है ना बहुत ज्यादा हो जाएगा अदरवाइज तो ये टू हंड्रेड है तो कितने बनाएंगे यहाँ पे ये यह बनाएंगे टू हंड्रेड होता है ना तो यहाँ पे हम टेन सर्कल बना लेंगे बना लेंगे एक ये दो ये तीन ये चार पांच छ सात आठ ये नौ और ये दस ठीक है तो यहां पे हॉकी के लिए कितने हैं वन फोर्टी है 140. तो ट्वेंटी के टेबल देखेंगे हम तो ये अब जाएगा सेवन पे तो इसका मतलब हम सेवन ट्राइंगल्स बनाएंगे यहां पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन क्रिकेट के लिए देखते हैं तो ये है हंड्रेड तो बनाएंगे यहाँ पे फाइव ट्राइंगल्स ठीक है वन टू थ्री फोर एंड ये फाइव बैडमिंटन के लिए होगा फिफ्टी तो फिफ्टी मतलब दो तो पूरे बनेंगे यहां पे एक ट्राइंगल ये पूरा बन गया एक ये पूरा बन गया और एक बन जाएगा यहां पे आधा ठीक है ये हो जाएगा फिफ्टी के लिए